हेलो, आम लक्ष्मी माहेश्वरी फ्रॉम भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज न्यू मंडी मुजफ्फरनगर। चिल्ड्रन, आफ्टर अबाउट 200 ईयर्स ऑफ स्लेवरी इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। मैनी ट्रू सन्स ऑफ भारत माता, मैनी फ्रीडम फाइटर्स, मैनी पैट्रियट सेक्रीफाइड देयर लाइव्स टू मेक इंडिया फ्री एज लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, सो ऑन। वन ऑफ देम हु गेव, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिस स्लोगन, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर? यस, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ए ट्रू पैट्रियट एंड ए ट्रू सन ऑफ भारत माता। हियर इज द पिक्चर ऑफ सुभाष चंद्र बोस टूडे। सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लेसन सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक रेनबो क्लास 6th. So here there are some typical words, new words coming in the lesson. Freedom fighter, Swatantra Senani, brilliant, Pratibhashali, resigned, Tyag Patra Diya, influenced, Prabhavit Kiya, nationalist, Rashtriyavadi, मोटिवेटेड प्रेरित किया, स्ट्रगल संघर्ष, अपोज्ड विरोध किया, अनसॉल्व्ड अनसुलझी और एवरलास्टिंग स्थाई। तो ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स थे जो हमारे इस लेसन में आए हैं। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट ग्रेट फ्रीडम फाइटर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी, उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को इन हिंदू फैमिली, एक हिंदू फैमिली में इन कटक में, जो कि ओडिशा में है, वहाँ पर हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज जानकी नाथ बोस। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था एंड हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती देवी। और उनकी जो मम्मी माता थी, उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। स्कूल में वह बहुत प्रतिभाशाली लड़के थे, यानी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे। ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा तो कटक से ही ग्रहण की, कटक में ही पूरी की। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, जिसको हम कोलकाता कहते हैं अब तो। और जो मैट्रिकुलेशन है, यानी हाई स्कूल की जो परीक्षा है, उन्होंने वो कटक में ही की, सॉरी कलकत्ता में की। एंड बी ए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। और उन्होंने बी ए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में से ही 1918 में की। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड। बाद में उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया टू अपियर इन द इंडियन सिविल सर्विस ICS एग्जामिनेशन। बाद में उनके पिताजी ने उनको ICS, जिसको कि इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, उसको उत्तीर्ण करने के लिए, उसमें अपियर होने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड एंड ज्वाइन द सर्विस। वहाँ पर उन्होंने ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण भी किया, पास भी कर लिया और सर्विस भी ज्वाइन कर ली, उन्होंने वहाँ सेवा भी नियुक्त कर ली। बट सून ही रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। और जल्दी ही उन्होंने उस इंडियन सिविल सर्विस से रिज़ाइन दे दिया एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट
इन फ्रीडम मूवमेंट, और फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वहाँ उस सेवा से रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट देश बंधु चित्तरंजन दास। वो एक राष्ट्रवादी जिनका नाम देश बंधु चित्तरंजन दास था, उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। हिज पॉलिटिकल गुरु थे, उनके राजनीतिक गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम को ज्वाइन करने के, यानी स्वतंत्रता संग्राम में वो आकर के मिल जाएं, ज्वाइन करें। इसलिए उन्होंने उनको प्रेरित किया लोगों को। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल स्वराज। और चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रांगली अपोज, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती के साथ अपोज किया ब्रिटिश का एक न्यूज़पेपर के द्वारा, जिसका नाम था स्वराज। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी INA, एज नोन एज आज़ाद हिंद फौज। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वो सिंगापुर चले गए एंड फॉर्म, और उन्होंने बनाई हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, आर्मी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INA कहते हैं, एज नोन आज़ाद हिंद फौज, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को स्लोगन दिए, कौन कौन से है, दिल्ली चलो, ये तो फर्स्ट स्लोगन ये था कि दिल्ली चलो, एंड सेकंड स्लोगन जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, और उसने, उन्होंने अपनी सेना को इंस्पायर किया, प्रेरित किया अपने महान शब्दों के द्वारा। वो शब्द कौन से थे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स, भारत माता को अंग्रेजी शासकों के रूल से, शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अपनी सेना को ये वर्ड कहे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट इज़ बिलीव दैट नेताजी डाइड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945। ऐसा विश्वास किया जाता, ऐसा कहा जाता है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हुई। बट द मिस्ट्री ऑफ द हिज डेथ, लेकिन उनकी जो डेथ की जो मिस्ट्री थी, उनकी मृत्यु का जो रहस्य है, इज स्टिल अनसॉल्व, वो अभी तक अनसॉल्व है। किसी को पता नहीं कि कैसे हुई, हुई भी है या नहीं हुई है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशंस, कभी समाप्त ना होने वाली प्रेरणा के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा भारतवासियों के मन में विद्यमान रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत माता के सच्चे सपूत, एक सच्चे देशभक्त, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिया। हमें भी उन्हीं के समान बहादुर, त्यागफुल, त्याग करने की प्रेरणा हमें उनसे लेनी चाहिए, और हमें उन्हीं के तरह से, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जिन्होंने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उन्हें हमेशा स्मरण करना चाहिए। और जो आज़ादी उन्होंने हमें अब दिलाई है, उस आज़ादी को हमें कायम रखना है, और उसी के साथ ये लेसन हमारा पूरा होता है। यहाँ पर मैं कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी, नेताजी के नाम से कौन सा फ्रीडम फाइटर जाना जाता है। तो कौन है,
सुभाष चंद्र बोस। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बोर्न। व्हेन, कब और कहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। आंसर, सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक ओडिशा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में, जो कि उड़ीसा में है, वहां पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डी सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन, त्यागपत्र क्यों दिया। आंसर, टू पार्टिसिपेट इन इंडियन मूवमेंट। इंडियन मूवमेंट, स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से त्यागपत्र दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। आंसर है, देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट डज INA स्टैंड फॉर। INA का क्या, किस लिए है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आंसर है, INA स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट स्लोगन गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। उन स्लोगन को लिखो जो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो कौन कौन से अभी हमने पढ़े थे लेसन में। नंबर 1, दिल्ली चलो। सेकंड, जय हिंद। और थर्ड, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये क्वेश्चन थे इस लेसन में आए हुए। लेसन भी आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन और ये न्यू वर्ड्स भी आपको बता दिए गए हैं। आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ।